क्लास 9th मैथ्स हीरोज़ फॉर्मूला एक्सरसाइज 12.2 पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपको दिया गया है एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। इस क्वाड्रिलेटरल की साइड्स आपको देंगे एक 3 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, सी डी 4 सेंटीमीटर और ए डी 5 सेंटीमीटर और ए सी 5 सेंटीमीटर और हमें निकालना है इसका एरिया। तो जब हम इसको देखते हैं तो मेरे पास पता है कि ये दो ट्रायंगल थे, एक ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है ए सी डी जिसकी मुझे तीनों तीनों साइड दी गई है। इसका मतलब क्या है कि मुझे लगाना है हीरोज फॉर्मूला। ठीक है, तो हम सीधा सीधा सॉल्यूशन करते हैं। ठीक, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ए जिसे हम A1 लिखेंगे क्योंकि मेरा दूसरा ट्रायंगल है उसमें भी आएगा A2। तो A मुझे दिया गया है 3 सेंटीमीटर, B मुझे दिया गया है 4 सेंटीमीटर और C मुझे दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, A, B, C मुझे दिए गए हैं एक 3 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर। और जब हम हीरोज़ फॉर्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले निकालते हैं हम S। ठीक है, तो S इज इक्वल टू मेरे पास फॉर्मूला था A प्लस B प्लस C, पे सब 1-1 हो जाएंगे अपॉन 2। क्लियर, इसका मतलब ये मेरे पास हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 2, 4 और 3 7 और 5 12 और 12 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्लियर, अब हम निकालते क्या है s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। तो ये मेरा s1 है, इसका मतलब नाउ अब हम निकालेंगे s1 माइनस a1। S1 means 6 minus 3 that is equal to 3 centimeter। फिर हम निकालेंगे S1 minus B1 that is equal to 6 minus 4 that is equal to 2 centimeter। फिर हम निकालेंगे S1 minus C1 that is 6 minus 5 equal to 1 centimeter। ठीक है, अब हम निकालते हैं सीधा सीधा एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ S, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो ये सब 1-1 हो जाएंगे मेरे। ठीक है, और इसका मतलब अंडर रूट ऑफ कितना है मेरे पास S, 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। एस मेरा 6 है, S माइनस B मेरा 3 है, S माइनस B मेरे पास 2 है और S माइनस C मेरे पास 1 है। तो देखिए 3 दूनी 6 और एक ये 6, तो 6 का एक पेयर बन जाएगा और आंसर निकल आएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी मेरा आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। अब इस वाला पार्ट का एरिया हम निकाल लेते हैं यहीं से। तो उसके लिए मुझे सबसे जरूरी चीज क्या है, मुझे निकालना पड़ेगा ए टू। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं यहां लिख देता हूं फॉर ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, अब A2 मेरा आएगा कितना 5 सेंटीमीटर, B2 मेरे पास कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और C2 मेरे पास कितना आएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम निकालेंगे यहां से S2, और S2 क्या होता है A1 प्लस B1 प्लस C1 मींस A2 प्लस B2 प्लस C2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, जिस तरीके से हमने ये किया था, अब हम सबको अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 5 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 मीन्स 5 5 10 और 4 14 14 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 7 सेंटीमीटर आ गया तो हम क्या निकालेंगे, अब S वर्ड S2 माइनस A2, S2 माइनस B2 और S2 माइनस C2। ठीक है, तो नाउ हम निकालते हैं S2 माइनस A2 दैट इज 7 माइनस 5 और ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ऐसे ही मेरा S2 माइनस B2 और वो हो जाएगा 7 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। फिर हम निकालेंगे S2 माइनस C2 मींस 7 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब हम सीधा सीधा निकालते हैं एरिया। ठीक है, तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ S, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ, S मेरा कितना है 7, ये कितना है 2, फिर 2 और फिर 3। देखिए 2 और 2 में 2 पेयर आ गया, अंडर रूट में गया आपके पास 21
और जब हम अंडर रूट 21 की वैल्यू निकालते हैं तो वो लमसम 4.58 आती है, और जिसको मैं लिख सकता हूँ 4.6 अप्रोक्स। ठीक है, मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया, इसका मतलब ये हो जाएगा मेरे पास के 2 × 4.6, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया था 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड पार्ट का एरिया है 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया होगा वो क्या, सम ऑफ बोथ द ट्रेंगल्स, सम ऑफ द एरिया जो बोथ द ट्रेंगल्स। तो हम यहाँ क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ सीधा सीधा लिख देते हैं, चलो इस पर लिख देते हैं कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल टू, एक है मेरे पास 6 और एक है मेरे पास 9.2, और जब दोनों और को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स। ठीक है, मैंने अप्रोक्स इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने वो परफेक्टली पूरा नहीं किया था, मैंने राउंड ऑफ किया था, इसलिए इसको मैंने लिख दिया अप्रोक्स। तो आंसर होगा 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको इस तरीके की एक शेप दी गई है, जिसमें शेप 1, 2, 3, 4, 5, इसका मतलब 5 शेप से मिलकर के एक ये डिजाइन आपकी बनी है जो एक एरोप्लेन शेप है। ठीक है, आपसे पूछा क्या है कि इंच का टोटल एरिया कितना है, तो हम क्या करेंगे इसकी प्रत्येक डिजाइन को अलग अलग करके लिखेंगे और उसका एरिया फाइंड करेंगे, लास्ट में उसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये मेरे पास एक आइसोस्केल ट्रायंगल है जिसकी साइड है 5 सेंटीमीटर की। क्लियर, तो हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले शेप 1, ठीक है, शेप 1 आपके पास दी गई है इस तरीके से, जिसकी साइड 5, 5 और 1 सेंटीमीटर है। क्लियर, ओके, इसका जब हम एरिया निकालेंगे तो सबसे पहले हम निकालेंगे एस, एस के बाद क्या निकालेंगे हम, जो भी हमारा निकलता है एस माइनस बी, फिर इसका एरिया। तो सबसे पहले हम निकाल देते हैं एस, और एस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 5 + 5 + 1/2 मीन्स 11/2। ठीक है, इतने सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे एस माइनस ए मीन्स 11/2 में से घटाएंगे हम 5 और ये बचेगा 1/2। ऐसे ही हम निकालेंगे एस माइनस बी। ठीक है, अब एस माइनस बी निकालेंगे तो 11/2 माइनस 5 तो ये भी बचेगा 1/2। फिर हम निकालेंगे एस माइनस सी, इसका 11/2 माइनस 1 और इसको जब हम घटाएंगे 2 × 2 तो ये बचेगा 9/2 और ये सेंटीमीटर में आपका बच जाएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे एरिया, एरिया ऑफ फर्स्ट शेड इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस बी, इसका अंडर रूट ऑफ एस मेरे पास है 11/2, एस माइनस ए है मेरे पास 1/2, एस माइनस बी है 1/2 और एस माइनस सी है 1/2। इसका मतलब 2, 2 के नीचे से 4 निकल रहा है, 1/4 आ गया और ये मेरे पास 9/2 है, सॉरी, तो 9 से मेरा आ जाएगा 3। ठीक है, अंडर रूट में बच गया आपका 11। क्लियर, अब अंडर रूट 11 की जो वैल्यू होती है वो मुझे पुट करनी है, और अंडर रूट 11 की वैल्यू होती है 3.3। इसका मतलब ये हो जाएगा 3 × 3.3/4 और इसका मल्टीप्लाई क्या, तो ये हो जाएगा 9.9/4। इसका मतलब इसको हम करेंगे 4 × 8 पॉइंट। ठीक है, बचा कितना 1, फिर वो चला जाएगा आपके पास, तो 4 × 16, फिर बचेगा आपके पास 3, 30 हो जाएगा, 4 × 7 = 28। इसका मतलब ऑलमोस्ट इसे मैं ले सकता हूँ 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब पहली शेप का एरिया आता है मेरे पास 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, पहली स्टेप का निकला है, अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप का। देखिए, एरिया ऑफ सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप जो आपके पास है वो एक रेक्टेंगल की शेप है। ठीक है, किसकी है, एक रेक्टेंगल की शेप है जिसकी 1 सेंटीमीटर लेंथ है और 6.5 सेंटीमीटर चौड़ाई है, मींस ब्रीथ है, या फिर हम कहेंगे लेंथ 6.5 और ब्रीथ 1 सेंटीमीटर। तो हम यहां सीधा सीधा लिखेंगे एरिया ऑफ सेकंड शेड मींस लेंथ इनटू ब्रीथ मींस 6.5 × 1 और ये हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब इसका जो एरिया आ रहा है वो कितना आ रहा है, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, सेकंड शेप मेरे निकला है, हम बात करते हैं थर्ड शेप की। ठीक है, और थर्ड शेप जो मेरे पास है वो इस तरीके से एक ट्रेपेजियम बना हुआ है। ठीक है,
ओके ये मेरे पास है 1 सेंटीमीटर की और ये मेरे पास है 2 सेंटीमीटर की और ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको यहां से इस तरीके से एक लाइन डालेंगे जो इसके पैरेलल होगी। क्लियर, अब इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी और ई। ठीक है, अब ए ई पैरेलल बी सी है, इसका मतलब ए बी सी ई एक पैरेलोग्राम हो गया और इस पैरेलोग्राम के तहत ये मेरे पास हो गया 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब मेरे पास ये 1 का है और इसकी जो साइड है, इसकी जो साइड है वो भी आपकी 1 सेंटीमीटर की दी गई, इसका मतलब ये भी आपके पास 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर कि ए ई इक्वस टू ए डी इक्वस टू 1 सेंटीमीटर, ए डी और ए ई दोनों बराबर होंगे 1 सेंटीमीटर के और डी ई इक्वस टू हो जाएगा डी सी माइनस ई सी और दैट इज इक्वस टू 2 - 1 = 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब मेरे पास ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 1 सेंटीमीटर है। इसका ये ए डी ई एक कैसा ट्रेंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रेंगल। इसका मतलब कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रेंगल ए डी ई इक्वल टू √3/4 × 1 2 मीन साइड का स्क्वायर। और इसका दूसरा फॉर्मूला होता है मेरे पास हाइट वाले से, वो क्या हो जाएगा 1/2 × बेस मेरे पास है 1 सेंटीमीटर, हाइट मेरे पास है h। ठीक है, इक्वल टू √3/4, तो यहां से मुझे हाइट मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी हाइट, h इज इक्वल टू हो जाएगा √3/4 × 2, 2 से कट जाएगा 2 times, अंडर रूट 4 की वैल्यू होती है 1/7/2, इसका मतलब हो जाएगा 0.8 1.73 होती है 1.86, इसका मतलब हाइट मेरे पास होगी 0.86। अब हाइट मेरे पास आएगी तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ जाएगा, इसका मतलब कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी इक्वल टू क्या होता है 1/2 × सम ऑफ पैरेलल साइड्स × हाइट। इसका मतलब 1/2 × (1+2) × हाइट हमारे पास 0.86 में इसको काट देंगे 0.43। ठीक है, इसका 3 × 0.43 और 3 × 9 और 3 × 12 इसका 1.29, इसको हम लिख सकते हैं 1.3 cm². इसका एरिया निकल के आ गया 1.3 cm². ठीक है, थर्ड डिजाइन मेरे पास हो गई। ओके, अब बात करते हैं फोर्थ डिजाइन की। चलिए, एरिया ऑफ फोर्थ शेड, और फोर्थ शेड है मेरे पास एक राइट एंगल ट्रेंगल की शेप में, ठीक है, इस तरीके से, जिसकी ये 1.5 है और ये 6 है। ठीक है, तो ये है मेरे पास शेड नंबर फोर्थ। इसका मतलब हम सीधा सीधा लिखेंगे एरिया ऑफ फोर्थ शेप इक्वल टू 1/2 × बेस × हाइट। इसका मतलब कि 1/2 × बेस मेरे पास एक है 6 का और हाइट है 1.5 की, 2 से कट जाएगा 3 × 12 = 15 = 45, 4.5 cm². इसका एरिया हो जाएगा प्लस 4.5 cm². सिमिलरली इसका होगा कि दोनों ही सेप बराबर है, सिमिलरली एरिया ऑफ फोर्थ सॉरी फिफ्थ सेप इक्वल टू वो भी हो जाएगा मेरे पास 4.5 cm². अब मेरे पास 500 शेप्स का एरिया आ गया, अब मुझे क्या निकालना, एरिया ऑफ होल शेप या फिर होल फिगर। ठीक है, चलिए हम निकालते हैं एरिया ऑफ होल फिगर, यहां लिखेंगे हम एरिया ऑफ होल फिगर। ठीक है, और सबको हम ऐड कर देंगे, कितना कितना 2.5 + 6.5 + 4.5 + 4.5 + 1.3। देखिए 4.5 + 4.5 हुआ 9, 2.5 + 6 = 6.5 हुआ 9, 9 × 18 = 19, इसका मतलब 19.3 cm². इसका मतलब होल शेप का एरिया लगभग 19.3 cm² आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपको दिया गया है कि एक पैरेलोग्राम है और एक ट्रेंगल है, दोनों का एरिया सेम है। ठीक है, और उसने कहा है कि ट्रेंगल की जो साइड्स हैं वो 30, 28 और 26 सेंटीमीटर की हैं, 30, 28 और 26 सेंटीमीटर की हैं, और उन्होंने कहा है कि जो पैरेलोग्राम स्टैंड करता है वो 28 सेंटीमीटर के बेस पर खड़ा हुआ है। अब दोनों का एरिया इक्वल है, तो आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ पैरेलोग्राम,
इसका मतलब आपको ये यहां से निकालनी है एच, ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, हमें पता है कि एरिया ऑफ पेलोरम क्या होता है, बेस इंटू हाइट, क्या होता है, बेस इंटू हाइट। ओके, इसके बराबर अगर मैं ट्रेंगल का एरिया रख दूं, ठीक है, और ट्रेंगल का एरिया मेरा निकल आएगा हीरोंस फॉर्मूला से, बेस मेरे पास है या तो मेरी हाइट मेजर मिल जाएगी, बात समझ में आ गई। तो मुझे बस ये हाइट निकालनी है, क्या निकालनी है, ये हाइट, ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन इसका, तो आपके पास जो ट्रेंगल दिया गया है डी ई सी, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर ट्रेंगल डी ई सी ए इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, बी इक्वल्स टू 26 सेंटीमीटर और सी इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर, ठीक है, ए बी सी मिल गया। अब हम क्या निकालते हैं, एस, एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, मीन्स 30 प्लस 26 प्लस 28 अपॉन टू, ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे तो 30, 20, 50, 50, 60, 70, 70 और 14, 84 अपॉन 2 मीन्स 42 सेंटीमीटर, क्लियर, मेरे पास एस आ गई। अब हम क्या निकालते हैं, एस माइनस ए, नाउ क्या निकालते हैं, एस माइनस ए मीन्स 42 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, फिर हम निकालेंगे एस माइनस बी मीन्स 42 माइनस 28, ठीक है, सॉरी 26, तो कितना हो जाएगा ये 14 सेंटीमीटर, फिर हम निकालेंगे एस माइनस सी मीन्स 42 माइनस 28 दैट इज इक्वल टू, ये आएगा 16 और ये आएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, इसका मतलब कि मेरे पास ये तीनों चीज निकल के आएगा, हम निकालते हैं सीधा सीधा एरिया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या नाम था उसका, डी ई सी इक्वल टू क्या, अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इसका मतलब अंडर रूट ऑफ कितना होगा मेरे पास, 42 इंटू 12 इंटू 16 इंटू 14, पेयर कर लेते हैं, ठीक है, और जब हम पेयर करेंगे तो 42 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 14, 14 में इसका क्योंकि 14 मेरे पास है, 12 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 4, 14 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 4 और ये मेरा हो गया 14, तो देख एक 14 का कपल आ गया, ठीक है, इंटू एक 3 का मेरे पास आ गया, एक 4 का मेरे पास आ गया और ये मेरे पास होता है ये 2 का, ठीक है, इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मेरे पास जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, 14 ती 42 और 42 इंटू 8, 42 इंटू 8, तो 8 दूनी 16, 8 चौके 32 और 33, 336 सेंटीमीटर, ये आ गया मेरे पास एरिया। अब उसने कहा है कि एरिया ऑफ ट्रेंगल इक्वल टू एरिया पैलोग्राम, इसका मतलब कि एरिया ऑफ पैलोग्राम क्या था मेरे पास, ए बी सी डी, एरिया पैलोग्राम ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, ये उसने गिवन किया है। एरिया पैलोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट इक्वल टू 336, ठीक है, बेस मेरे पास है 28, इसका 28 इंटू एच इक्वल टू 336, देन एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 336, ये डिवाइडिंग चला जाएगा 28, ठीक है, हमें पता है 14 का एक फैक्टर था इसमें, इसका मतलब 14 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों, इसका मतलब 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, अब कितना बचा, 5, 14 चौक 56 और दो से इसे काटेंगे हम 12 बार, इसका मतलब हाइट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देयरफॉर हाइट ऑफ पैलोग्राम इज 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको एक रोम्बस शेप्ड, रोम्बस की शेप का एक फील्ड दिया गया है, उस फील्ड में 18 गाय ग्रेज करने जाती हैं, ग्रेज मीन्स चरने जाती हैं, आपको बताना है कि एक गाय के हिस्से में कितना एरिया आएगा या कितनी ग्रास आएगी, अगर उसकी साइड है 30 मीटर की और लॉन्गर डायगोनल है 48 मीटर का। और मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में कि जब हम इसका एरिया निकालते हैं, मीन्स रोम्बस का जब हम एरिया निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, एक ट्रेंगल का एरिया निकाल लेते हैं बाई हीरोंस फॉर्मूला, ठीक है, और जो एक ट्रेंगल का एरिया निकालेंगे उसका जस्ट डबल कर देंगे तो पूरे पैलोग्राम का एरिया आ जाएगा, सॉरी पूरे रोम्बस का एरिया आ जाएगा, और जो रोम्बस का एरिया आएगा उसमें 18 का डिवाइड कर दो, एक गाय के कितने हिस्से में कितना पड़ता है ये निकल आएगा,
समझ में आई। चलिए अब हम शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन, देखिए कैसे। इन रोम्बस ए बी सी डी, ठीक है, साइड इक्वल टू 30 मीटर, लॉन्गर डायगोनल इक्वल टू 48 मीटर, ठीक है, लंबा डायगोनल 48 मीटर का दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, इन ट्रेंगल ए बी सी ए इक्वल टू हो जाएगा 30 मीटर, बी इक्वल टू हो जाएगा 30 मीटर और सी इक्वल टू हो जाएगा 48 मीटर, ठीक है। और हीरो सोमनस एरिया निकालेंगे हम, क्या निकालते हैं, एस एस इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, ए मेरे पास है 30 प्लस 30 प्लस 48 अपॉन टू, 30 30 60 60 और 48 108, इसका मतलब 108 अपॉन टू दैट इज इक्वल टू 54 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब 54 मीटर स्क्वायर मेरा आ गया एस, अब हम क्या निकालते हैं, एस माइनस ए, और एस माइनस ए क्या होगा मेरे पास, 54 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 24 मीटर स्क्वायर। एस माइनस बी मीन्स 54 माइनस 30 ये भी आ जाएगा मेरे पास 24 मीटर। फिर हम निकालेंगे एस माइनस सी मीन्स 54 माइनस 48 और ये हो जाएगा 6 मीटर, ठीक है। एस ए बी सी तीनों आ गए, हम निकालते हैं सीधा सीधा एरिया, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, इसका मतलब अंडर रूट ऑफ एस मेरे पास था 54 इंटू 24 इंटू 6, ठीक है। ओके देखिए 24 का फैक्टर करने की मुझे आवश्यकता नहीं है, ठीक है, इसके हम कर लेंगे 54 का था 6 9 54 तो हो जाएगा 9 इंटू 6 इंटू 24 इंटू 24 इंटू 6, देखिए एक 24 का पेयर बना, एक 6 का बना और ये तो 3 का परफेक्ट स्क्वायर होता ही है, इसका मतलब ये मेरे पास कितना आ जाएगा 3 इंटू 6 इंटू 24, 3 6 18 और 18 4 72 कैरी हुए 7 और 18 2 36 और 36 और 7 43 432 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी, एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी इक्वल टू क्या होगा, ट्वाइस ऑफ 432, इसका मतलब कि 864 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब एरिया गेटिंग ईच कार्ब, क्योंकि टोटल 18 गाय है, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, एरिया गेटिंग ईच इक्वल टू, तो इसका मतलब 864 डिवाइड बाई 18, क्यों टोटल 18 गाय है तो हम 18 से इसको डिवाइड कर देंगे और ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 18 4 72, ठीक है, 18 4 72 और बचा कितना, 14 तो 144 हो गया और 18 8 144, 48 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ईच काउ इज गेटिंग 48 मीटर स्क्वायर एरिया टू ग्रेज इन द रोम्बस शेप्ड फील्ड। Thank you for watching.